तेरी प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशंस आए। निधि के बेटा होता है और यहाँ पर घर वाले बहुत खुश हो रहे हैं और बिंदिया ने बहुत अच्छी तरीके से सारी चीजें संभाल ली हैं, पर अब यहाँ पर बिंदिया बहुत परेशान है क्योंकि भाई क्रिश बार बार बोल रहा है कि नहीं अबॉर्शन करा लेना चाहिए। और यहाँ पर अब घर वालों को भी बता देती है बिंदिया कि क्या रीजन है, वो बार बार ऐसा क्यों बोल रहा है। बताती है कि डॉक्टर ने बोला है कि या तो बिंदिया की जान बचेगी या फिर बच्चे की जान बचेगी। अब यहाँ पर जो घर वाले हैं ना वो बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं कि ऐसा कुछ हो कि भाई अबॉर्शन हो और हम बच्चे को मारें। जो अभी तक जिसका जन्म भी नहीं हुआ है तो ये पाप नहीं अपने ऊपर लेना चाहते हैं। और यहाँ वो क्रिश को समझा रहे हैं और बिंदिया भी समझा रही है कि क्रिश तुम तो बच्चों को बहुत प्यार करते हो, तुम ऐसे क्यों कर रहे हो, और सब कुछ भगवान पे छोड़ दो ना, माता रानी पे, सब कुछ अच्छा होने वाला है। और वहीं हम देखेंगे कि भाई ठीक है, क्रिश मान जाता है और कहता है कि ठीक है, हमारे बच्चे को कुछ नहीं होगा। अब तुम अगर इतना फोर्स कर रही हो तो तुम बच्चे को जन्म दे दो, तो देखते हैं क्या होता है। और यहाँ पर मैं बहुत अच्छे वाले डॉक्टर्स को और दिखाऊंगा, और अगर कुछ ऐसा होगा भी, कुछ क्रिटिकल कंडीशन होगी, तो देखते हैं क्या कुछ करेंगे। और यहाँ हम देख रहे हैं कि पायल बहुत खुश हो रही है। क्योंकि पायल को तो यही चाहिए था ना, पायल तो चाहती थी कि भाई बिंदिया प्रॉब्लम में आए और यहाँ पर बिंदिया की जान भी चली जाए। और वही हम देख रहे हैं कि लीप का प्रोमो ऑलरेडी आ चुका है, यहाँ पर बिंदिया की मौत हो जाएगी, क्रिश भी नहीं रहेगा। और यहाँ पर बिंदिया की ना दो बेटियां होंगी, स्वर्णा और ध्वनि, और जो स्वर्णा है वो बोल नहीं पाती और जो ध्वनि है वो स्वर्णा की आवाज है। और यहाँ पर ध्वनि और स्वर्णा एक दूसरे के दुश्मन भी होने वाले हैं क्योंकि यहाँ पर फिर से होने वाला है सुहाग को लेकर झगड़ा। तो अब देखते हैं किस तरीके का लव ट्राइंगल होगा। यहाँ पर तो भाई क्रिश पायल और बिंदिया का लव ट्राइंगल था, और किस तरीके से हमने देखा ही था ना, पायल बार बार बिंदिया को मारने की कोशिश करती है, उसको अलग करने की कोशिश करती है, लेकिन क्रिश और बिंदिया के इस तरीके की बॉन्डिंग थी कि वो लास्ट मोमेंट तक अलग नहीं हो पाए है। और यहाँ पर उन्होंने दो बेटियों को जन्म भी दिया। तो अब यहाँ पर इन दोनों बहनों की किस तरह की दुश्मनी होगी, क्या होगा, और कौन इनके बीच में आएगा, कौन सा लड़का आने वाला है, ये तो आने वाले एपिसोड में ही देखेंगे। लेकिन आप कितने एक्साइटेड हैं सुहागन के एपिसोड के लिए, और आपको क्या लग रहा है कि भाई ध्वनि और स्वरा दोबारा से पायल और बिंदिया जैसे ही क्रिएट हो जाएंगी सारी चीज़ें?